नमस्ते, मेरा नाम है राधिका अविनाश जगताप और मैं मुंबई में रहती हूँ। कुछ सालों पहले एक पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से थोड़ी सद्बुद्धि आई और समझा दैट गुड टैलेंट कैन टेक यू टू द मून बट नॉट गुड हेल्थ कैन नॉट इवन टेक यू टू द बिल्डिंग्स गेट। तो इस टाइम मुझे ये समझा कि बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस मुझे मेरे में करने पड़ेंगे, बहुत सारे हैबिट्स मुझे ऐसे बिल्ड करनी पड़ेगी सो दैट मेरी हेल्थ अच्छी रहे। एंड इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा आयुर्वेद या योग या जो हमारा वैदिक लिटरेचर है वो पढ़ना स्टार्ट किया, वो सीखना स्टार्ट किया एंड मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। एंड आई एम श्योर मुंबई में या टीयर वन टीयर टू में ऐसे बहुत लोग होंगे जो स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफस्टाइल के साथ, क्योंकि हाँ, पैसा कमाना भी ज़रूरी है, हमारे फैमिली को जो हमने ड्रीम्स दी है उनको देना भी ज़रूरी है, बट खुद की टेक केयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई एम श्योर जो मैं बात कर रही हूँ आप सब रिलेट कर पाओगे और आपको भी समझेगा। एंड ये जो स्ट्रगल जो मेरी चालू थी इन बैलेंसिंग माय अर्बन लाइफ विथ मोर सात्विकनेस, मोर हेल्दियर हैबिट्स, वो बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी क्योंकि बुक्स विल नेवर आंसर यू बैक। एंड तभी मुझे समझा कि एक गुरु होना या एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना या कोई जो ऑलरेडी सीखा है, जो ऑलरेडी बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और वो आपको सिखाए, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। एंड दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आई अभ्यास स्कूल ऑफ योग। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जब यहाँ पे आई थी क्योंकि इतना ज़्यादा एक डेढ़ साल इतना एक्सप्लोर किया था, इतने क्वेश्चन थे, इतनी चीज़ें पता थी बट वो पक्का नहीं थी, बहुत सारे डाउट्स थे। एंड योग आता तो है, सीखा तो है, बट बहुत जगह पे आप गलतियाँ भी करते हो, तो वो भी मुझे आई वॉज़ वेरी श्योर कि जब यहाँ पे आऊँगी तो वो सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएंगी। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हम यहाँ पे 2 दिन रहे एंड इतना सुंदर एक्सपीरियंस था मेरा। रूटीन तो ऑब्वियसली एक चीज़ है जो मैं मुंबई में भी फॉलो करती हूँ, बट ऐसे बहुत सारे स्मॉल चीज़ें थे जो मैं मिस कर रही थी, जो यहाँ पे आके हमें सिखाए गए। एंड सिर्फ सिखाए नहीं गए, एटलीस्ट मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसको आप सिर्फ बोलो कि ये करो तो करूँगी नहीं, आई वॉन्ट टू नो कि ये क्यों करना है, इसके क्या बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर्स है वो वेरी काइंड, वेरी पोलाइट एंड ऑल अबाउट ऑफ दैट वेरी इंटेलेक्ट एंड नॉलेजेबल, तो उन्होंने बहुत सारा नॉलेज दिया। अगेन मेरे लिए सुबह उठना इज नेवर अ चैलेंज, थैंक गॉड टू दैट, बट एक जो एक ऑरा होता है, एक माइंडसेट होता है सुबह उठने के बाद, वो मुझे लगता है कि मैं लेके जाने वाली हूँ वापस, बिकॉज मुंबई में आई वुड जस्ट गेट अप एंड गेट अप विथ माई रूटीन की हाँ ये करना है, योग करना है, अब पढ़ना है, अब ये करना है। अब जो एक कॉन्शियसनेस आया है वो एक समथिंग जो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे जब आप यहाँ पे आओगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे हाईलाइट करनी है इज़ फूड। जो यहाँ पे सात्विक फूड मिलता है वो बहुत ही प्यारा है। ऑनेस्टली मैंने आज तक कभी बीट रूट का हलवा सुना ही नहीं था, बट आज मैं खा के खुश होके आप सबको बता रही हूँ। सो द फूड हियर इज़ लवली। एंड अगेन मुंबई के आजू बाजू, यू नो इट जस्ट 1 आवर अवे फ्रॉम मुंबई एंड इतनी नियर, समथिंग सो नियर फ्रॉम मुंबई विच इज़ नॉट एट ऑल अर्बन इन नेचर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कहा यहाँ का सात्विक फूड तो मेरा मन बैठ गया है। मैंने आई एम अ नॉन वेजिटेरियन हु इज़ ट्राइंग टू बिकम अ वेजिटेरियन, आई थिंक बाय 2 ईयर्स आई विल बी अ वेजिटेरियन। एंड मैं हमेशा सोचती थी कि यार ठीक है, वेजिटेरियन बनना एक चीज़ अलग है बट खाएंगे क्या। एंड आज जाते वक्त आई एम वेरी 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 क्लियर विथ माई माइंड कि जी हाँ, आप वेजिटेरियन फूड खा सकते हो, आप सात्विक फूड फॉर योर एंटायर लाइफ खा सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। एंड आई थिंक बनाना भी मैं सीख ही लूँगी। सो थैंक यू सो मच अभ्यास स्कूल ऑफ योग फॉर हैविंग मी, फॉर गिविंग आउट योर टाइम टू मेक माई लाइफ बेटर। एंड आई होप यू कीप डूइंग इट विथ सो मेनी पीपल कमिंग अराउंड। थैंक यू सो मच।